पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वहीं केजीएमयू में कल 4098 सैंपल्स की जांच हुई। जांचे गए सैंपल में 398 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। लखनऊ में 82 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं कानपुर में 128 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शाहजहांपुर की बात की जाए तो 41 संभल में 23 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मुरादाबाद में 102 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक, लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, स्थिति भयावह होती जा रही है। केजीएमयू में कल 4098 सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से 398 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई और इसमें सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ से सामने आए हैं। लखनऊ में 82 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं कानपुर की बात की जाए तो 128 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कानपुर में भी लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शाहजहांपुर में 41 संभल की 23 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मुरादाबाद में 102 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नीरज श्रीवास्तव हमारे स्विगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या कुछ जानकारी देंगे? ये देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना का कहर लगातार उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार जारी है। यहाँ भी आंकड़े एकदम चिंताजनक वाले आ रहे हैं। कल शाम को जो पूल टेस्टिंग लगी थी 4098, उसमें आज जब सुबह रिजल्ट आया तो उसमें 398 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें लखनऊ में 82 संक्रमित मरीज निकल के आए हैं। संभल में 23, शाहजहांपुर में 41, हरदोई में 14, प्रतापगढ़ में 1, बरेली में 1, सीतापुर में 1, अयोध्या में 1, गोरखपुर में 1, कानपुर में 128, अमेठी में 1, बलिया में 1, बाराबंकी में 1, मुरादाबाद में 102। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की हालत इस समय दयनीय बनी हुई है। कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जो उन्होंने निर्देश दिया था कि पूल टेस्टिंग बढ़ाई जाए, जो शुरुआत में 1200 से 1500 पूल टेस्टिंग हो रही थी, आज वो 4000 से ऊपर पूल टेस्टिंग हो रही है, जिससे कि संक्रमित मरीजों की पहचान जल्दी हो जा रही है और उनके उपचार में भी काफी लाभदायक हो रहा है, जल्दी पहचान हो रही है। कहीं ना कहीं टेस्टिंग तो जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन अस्पतालों में काफी कमी भी नजर आ रही है। बेड की कमी है अस्पतालों में। केजीएमयू और पीजीआई की बात की जाए तो बेड पूरे फुल पड़े हैं। मरीजों की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसकी या जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। जी अदिति, हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी सरकारी सेवाएं थी जहां कोविड सेंटर बनाया गया था, चाहे वो लोहिया हो, बलरामपुर हो, पीजीआई हो, लोकबंधु हो, हर जगह इतनी भारी तादाद में मरीज सामने आ चुके हैं कि हर जगह बेड फुल है। तो जिला प्रशासन ने, यहाँ के जिलाधिकारी अक्षय कुमार आनंद फानंद ने हज हाउस, आनंदी वाटर पार्क, तमाम होटल एक फौरी तौर पर एक व्यवस्था की है जहाँ पर बेड लगाए जा रहे हैं, मरीजों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। और स्वास्थ्य महकमे को भी इंगित कर दिया गया है कि जहां जहां बेड लग रहे हैं वहां पे डॉक्टरों की टीम खड़ी की जाए, जिससे कि मरीजों को त्वरित तौर पर इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने भी परसों काफी नाराजगी जाहिर की थी कि कहीं से भी कोरोना के पेशेंट की खबर आती है तो 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंचनी चाहिए और उनको इलाज मिलना चाहिए। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज।